नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ इंटरेस्टिंग सी रेसिपी। तो सबसे पहले आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब। देखिए फ्रेंड्स, ये है गोभी के डंठल की सब्ज़ी। देखिए इस तरीके से कुछ गोभी के डंठलों को हमने निकाल लिया है, ये लगभग 1 किलो होंगे, और इस तरीके से हमने इसको काट लिया है, ये देखिए। और इसको आप काटने के बाद 2-3 बार अच्छे से वॉश कीजिएगा ताकि जो मिट्टी वगैरह है वो अच्छे से निकल जाए। यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ मैं क्या क्या लूँगी। यहाँ देखिए, हमने इतना सा लिया है ये जिंजर, और यहाँ हमने 5 बड़े टमाटर लिए हैं, ये देखिए 5 बड़े टमाटर लिए हैं, और 5 बड़ी यहाँ पे लिए हमने, 4 बड़ी प्याज लिए हमने, और यहाँ हमने लिए हैं 7 से 9 हरी मिर्चें, ये देखिए। और यहाँ पे हमने काफ़ी सारी गार्लिक ली है, ये देखिए 10 से 15 हमने गार्लिक के पीसेस लिए हैं। और यहाँ हमने ले रहे हैं हम धनिए के पत्ते। तो फ्रेंड्स, ये देखिए टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं। हम क्या करेंगे कि कढ़ाई को हम करेंगे, सबसे पहले ऑयल डालेंगे कढ़ाई में, और यहाँ पे देखिए हमने एक फाइन पेस्ट तैयार कर लिया है प्याज का, ये देखिए। प्याज को हम सबसे पहले हम इसमें हींग डाल देंगे, चुटकी भर हींग का इस्तेमाल किया जाएगा इसमें, ये देखिए। अब हम 1 चम्मच जीरा भी इसमें डाल देंगे, ये देखिए हमने 1 चम्मच जीरा है ये हमने इसमें डाल दिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे हमने उसको प्याज को हमने ग्रेट किया है, उसी तरीके से हम यहाँ पे टमाटर, मिर्च और अदरक भी डाल देंगे, लहसुन डालकर पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, हमने सबसे पहले प्याज का पेस्ट जो है उसको डाल दिया है कढ़ाई में, क्योंकि इसको भुनने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसको हमने गोल्डन ब्राउन भूनना है अच्छे से तेल में। यहाँ देखिए, हमने तेल की क्वांटिटी भी ज़्यादा ली है कि ताकि हमें जो प्याज है और सारे इंग्रेडिएंट्स वो अच्छे से भुन जाएँ। यहाँ देखिए, हमारे आलू टमाटर का जो पेस्ट है वो तो हो गया है तैयार, ये देखिए। इस तरीके से हमने टमाटर के पेस्ट को भी कर लिया है तैयार। तब तक देखते हैं, हमारा ये देखिए भुन गया है। इस तरीके से ही आपको भुनना है प्याज को, देखिए प्याज भुन गई है, इसमें हमने टमाटर का पेस्ट भी डाल दिया है, ये देखिए। इस तरीके से हम इसको चलाते रहेंगे ताकि जो भी है ये भी टमाटर है जो अच्छे से पक जाए, ये देखिए। इस तरीके से हम इसको 4 से 5 मिनट तक चलाते रहेंगे, उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने 1 चम्मच भरकर इसमें हल्दी का पाउडर डालना है, फिर यहाँ पे 1 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर डालना है, देखिए 1.5 चम्मच हमने डाल दिया है, और हम नमक लेंगे स्वाद अनुसार, ये देखिए फ्रेंड्स, नमक यहाँ हम ले रहे हैं स्वाद अनुसार। नमक फ्रेंड्स स्वाद अनुसार ले लें आप। इसके बाद हम धनिया पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसमें, ये देखिए। और यहाँ पे हमने लिया है गरम मसाला, तो इसको हम 1 चम्मच गरम मसाला लेंगे, और हमारा जो भी स्पाइसेस को अच्छे से इसमें हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, इसको ऐसे चलाते रहेंगे। ये हमने लगभग 1 मिनट के लिए ऐसे चलाना है, ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमको सारे स्पाइसेस जो हैं वो इसमें पेस्ट में अच्छे से मिक्स कर लेने हैं, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए कितने अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, काली मिर्च का पाउडर भी हम इसमें ऐड कर देंगे, ये देखिए 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड करना है आपको, और फिर से चला के इसमें मिक्स कर लेना है अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, कितना अच्छा स्पाइसेस इसमें ऐड हो गए हैं, कितना अच्छा फ्लेवर इसमें डेवलप हो जाएगा। और ये जो डंठल थे ये 1 किलो थे, तो इसलिए हमने इसमें ज़्यादा मसाला तैयार किया है, ये देखिए। अच्छे से मसाले को भून लेंगे ताकि हमारा मसाला हो जाए रेडी, ये देखिए। मसाला जब पानी मसाला जब तेल छोड़ना शुरू कर देता है तो इसका मतलब ये है कि वो बनना शुरू हो चुका है, ये देखिए हमारे मसाले ने तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, ये देखिए मसाला भुन के तैयार हो गया है। यहाँ पे हम अपने डंठल हैं उनको धीरे धीरे इसमें डाल देंगे, और इसमें मसाले में मिलाएंगे अच्छे से। मसाले में आपको इसमें मिला लेना है, और थोड़ा सा पानी डालते जाना है साथ साथ, ताकि जो मसाले हैं वो लगे ना। और अब जो है इसमें अच्छे से कोट कर लेना है इसको, अच्छे से सारे जो भी डंठल है उसमें अच्छे से मसालों को कर लेना है मिक्स, देखिए कुछ इस तरीके से आपको करते जाना है धीरे धीरे हाथों से। आप चाहे तो एक साइड से कढ़ाई को पकड़ भी सकते हैं, और फिर आप करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए हमने पानी भी डाल दिया है इसमें, ये देखिए अब हम इसको कर देंगे ढाक देंगे। हमने लगभग इसमें
चार कटोरी पानी डाल दिया है, चार से पाँच कटोरी। अब ये देखिए हमारे डंठल हो गए हैं, पकने लग गए हैं। तो फ्रेंड्स इसको पकने में 45 मिनट्स लगेंगे। आपको बीच बीच में इसको चलाते रहना है इस तरीके से कि कहीं आपको बीच बीच में चार से पाँच बार इसको चलाते रहना है और इसको अच्छे से पकने दें, क्योंकि ये पकने में थोड़ा टाइम लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको बीच बीच में इसको चलाते रहना है। ऐसे करके आप इसको देख सकते हैं कि ये पका है या नहीं। अभी थोड़ा सा कच्चे हैं तो मैं थोड़ी देर इसको और पकाऊंगी। अभी ये देखिए, और पकने के बाद हमारे डंठल हो चुके हैं रेडी। तो हमने इसमें कर दी है धनिया पत्ते की बारिश इस तरीके से, और हम इसको और धनिया डालेंगे हम इसमें। ये देखिए, और अब हम इसको चलाएंगे, मिक्स कर देंगे सारे धनिया को। देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। हमारे डंठल की रेसिपी हो गई है तैयार। फ्रेंड्स आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये रोटी के साथ खाने में काफ़ी टेस्टी लग रही थी, क्योंकि इसमें स्पाइसेस वगैरह जो है उनका फ्लेवर इतना अच्छा आ रहा था। फ्रेंड्स ये रेसिपी जो है वो मस्ट ट्राई है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काफ़ी चटपटी सब्ज़ी होती है ये, काफ़ी स्वादिष्ट होती है खाने में। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती रहूँगी आपके साथ, ऐसी रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय।